बाप दादा की दिखाई देती है हमारे बाप लोग। देखिए नवाब साहब की संपत्ति को लेके विवाद चल रहा था जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नवाब रजा अली खान साहब की संपत्ति को सभी वारिसों में बांटने का डायरेक्शन पास किया है डिस्ट्रिक्ट जज को, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ पर उस काम के लिए कमिश्नर्स अपॉइंट किए हैं। मूवेबल के लिए दो कमिश्नर्स हैं और इमूवेबल के लिए मैं हूँ अरुण प्रकाश सक्सेना। हमें सभी संपत्तियाँ जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कोटी खास बाग है, नवाब स्टेशन है, शाहबाद में लक्की बाग है, एक बेनज़ीर बाग है और एक कुंडा है। आज हम कोटी खास बाग में खड़े हैं। इसके बारे में सुना जाता है, पक्षकारों ने बताया है कि ये इसको नवाब हामिद अली साहब ने बनवाया था और ये 1930 के आसपास बनकर तैयार हो गई थी। कितनी प्रॉपर्टी है सर ये लगभग जिसमें ये बनी हुई है कोटी? ये रिवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर हमने पाया कि लगभग 400 एकड़ ज़मीन में कोटी खास बाग है। और कितनी प्रॉपर्टी का ये पूरा है नवाबों की कितनी प्रॉपर्टी है जिसके? इसके अलावा बेनज़ीर बाग है जिसकी नापतोल करना शेष है, उसके बाद ही बता पाएंगे वो कितनी है। सरकारी कुंडा है रामपुर में, एक लक्की बाग है शाहबाद में जहाँ कहा जाता है कि 1,00,000 पेड़ फलदार वृक्ष लगे हुए थे, और एक नवाब स्टेशन है सिविल लाइन्स पे मेन रेलवे स्टेशन से पहले। सर पूरा बिल्डिंग अंदर से आप गए हैं देखा है तो क्या क्या खास बात यहाँ पे ऐसी लगी जो हिस्टोरिकल पूरा बिल्डिंग है ये पूरा? नहीं बिल्कुल, ये हिस्टोरिकल पैलेस है और इसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, लेकिन चूंकि ये मामला टेक्निकल है इसमें तकनीकी रूप से उसका मूल्यांकन किया जाना है। एयर कंडीशनर और लिफ्ट सारे वहाँ पे कितनी फ्लोर में है? हाँ, पार्टीज द्वारा बताया गया कि ये बिल्डिंग उस ज़माने में बहुत इनोवेटिव और हाई टेक्नोलॉजीज़ पे बनाई गई थी। इसमें सेंट्रल एसी लगाया गया था जो शायद हिंदुस्तान का पहला था प्राइवेट, और इसमें लिफ्ट्स भी लगी हुई हैं। इसमें अंदर इंडोर स्विमिंग पूल है, एमान रफत बिल्डिंग है, इसके अंदर थिएटर्स बने हुए हैं, तो लगभग सभी फैसिलिटीज़ इस बिल्डिंग में थी। तो अभी ये डिस्प्यूट अभी पूरा वैल्यूएशन चल रहा है इसका? जी, इसमें इस वक्त मूवेबल प्रॉपर्टी का आज जहां हथियार रखे होते थे रियासतकालीन हथियार उसका मुआयना चल रहा है। उसमें वो हथियार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कस्टडी में होते हैं, तो आज उन्होंने ऑफिसर्स को भेजा है, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सीओ और प्रतिसार निरीक्षक यानी आरआई और एक आर्म्स के एक्सपर्ट को बुलाया है, तो सारे हथियार देखे जा रहे हैं किस पोजिशन में है और उनका क्या वैल्यूशन है। ये सर कब से डिस्प्यूट चल रहा था लगभग? ये डिस्प्यूट 1972-74 से चल रहा है।